अभी तक हमने स्टार डेल्टा कन्वर्जन देख लिया, स्टार कनेक्टेड सोर्स लोड देख लिए, डेल्टा कनेक्टेड लोड सोर्स देख लिए, हमने थ्री फेज बैलेंस सर्किट्स की डेफिनेशन देख ली, बैलेंस्ड क्या होता है, अनबैलेंस क्या होता है, टू फेज क्या होता है, थ्री फेज क्या होता है। तो अब हम एक प्रोसीजर बना लेते हैं कि हमें अगर बैलेंस थ्री फेज सर्किट दे रखे हैं तो कैसे सोल्व करना है पर फेज बेसिस पे, क्योंकि मैंने बताया था ना कि अगर हमें बैलेंस दे रखा है तो एक फेज को सोल्व करूंगा तो बाकी दो की वैल्यूज भी इजिली निकाल लूंगा, सिंपली मुझे फेज शिफ्ट करना पड़ेगा। तो मैं ये स्टेप वाइज प्रोसेस बता देता हूँ। सबसे पहला स्टेप क्या है, हमें नेटवर्क में जो भी डेल्टा सोर्स या लोड जो भी दे रखा है उसको हम इक्विवेलेंट स्टार में कन्वर्ट कर लेंगे नॉर्मल फॉर्मूला यूज करके, जो भी मैंने स्टार डेल्टा कन्वर्जन का बताया था, और वोल्टेज के लिए नॉर्मल जो लाइन टू लाइन और फेज लाइन फेज वोल्टेज में रिलेशन है उसको यूज करके। जैसे मैं इक्विवेलेंट स्टार में कन्वर्ट करूंगा तो जितने भी न्यूट्रल पॉइंट्स है सभी पोटेंशियल सेम होगी क्योंकि सिस्टम बैलेंस्ड है, तो वो इंडिपेंडेंट थ्री फेजेस हमारे पास मिल जाएंगे। तो मैं सिर्फ फेज ए जो रेफरेंस फेज है उसको सोल्व कर लूंगा और करंट वोल्टेज जो भी वैल्यू रिक्वायर्ड चाहिए फेज ए की वो डिटरमाइन कर लूंगा। जैसे ही वो वैल्यूज आएंगी तो मैं थ्री फेज पावर भी निकाल सकता हूँ क्योंकि थ्री फेज पावर थ्री टाइम्स वन फेज पावर की होती है। तो फेज ए की पावर क्या होगी, वी ए आई ए कॉन्जुगेट, तो उसका थ्री टाइम्स हमें क्या दे देगा, थ्री फेज पावर दे देगा। नेक्स्ट स्टेप में अगर मुझे मान लीजिए फेज बी और सी की वैल्यू चाहिए तो मुझे सिंपली कुछ नहीं करना है, जो फेज ए की वैल्यू आई थी उसको सिर्फ 120 डिग्री शिफ्ट करना है लैग में या 240 डिग्री शिफ्ट करना है लैग में। फेज बी के लिए 120 डिग्री शिफ्ट करेंगे लैग में और फेज सी के लिए 240 डिग्री शिफ्ट करेंगे लैग में। और अगर मान लीजिए मुझे डेल्टा के अंदर जो करंट्स फ्लो करेंगे डेल्टा करंट्स या स्टार में लाइन टू लाइन वोल्टेज निकालनी हो तो उसके लिए मुझे सिंपली कुछ नहीं करना है, जो इक्विवेलेंट स्टार बनाया था वैल्यूज फाइंड करने के लिए उसके बाद मैं उसको वापस से डेल्टा में कन्वर्ट कर दूंगा और डेल्टा करंट्स भी निकाल लूंगा और लाइन टू लाइन वोल्टेज भी निकाल लूंगा। तो आप ये जो पांचों स्टेप्स हैं ये नोट कर लीजिए, जब भी बैलेंस सर्किट आपके पास आए तो बस ये पांच स्टेप्स बारी बारी आपको फॉलो करने और सिंपली सर्किट सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देखेंगे, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल एग्जाम्पल जिससे सोल्व करने पे जो सारे स्टेप्स हैं वो हम देख लेंगे और हमारे सोल्व करने में आसानी होगी।